बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलकुम दोस्तों इस चैनल में सबसे ज़्यादा पसंद की गई न्यूज़ और वाकत में आज आप देखेंगे लेकिन इससे पहले अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें श्रिया बैनवामी मैगजीन ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मबैन सरहदों पर फ़ायदेबंदी में सालसी के बाद दोनों ममालिक के तलक़ा बेहतर करने के लिए मुतहद अरब अमारात एक खुफ़िया रोड मैप पर काम कर रहा है बलूमबर्ग के मुताबिक गुज्त महीने दोनों अफवाज की जानब से दो हज़ार तीन के जंग माहिदे पर अमल दरामद के अचानक सामने आने वाले मुश्तरक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया और उसके चौबीस घंटे के बाद अमारात के वज़ी खारजा ने दहली का भी दौरा किया ब्लूमबर्ग का कहना है कि दोनों ममालिक में फ़ायरबंदी के लिए मुतहदा अरब अमारात ने एक माह से दर दर्पर्दा कोशें शुरू कर दी थीं मैगजीन के मुताबिक दोनों ममालिक के मबैन बेहतर ताल्लुक के लिए अगला मरहला सफीरों को वापस भेजने का इकदाम हो सकता है दोस्तों याद रहे कि 2019 में भारत की जानब से मकलूजा आबादी की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के इकदाम के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने सफी वापस बुला लिए थे लेकिन सफारती हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक में एक दूसरे के खिलाफ पाए जाने वाले जज्बाती माहौल हैं जिसमें सफीरों को वापस भेजने से बढ़कर किसी कामयाबी की फ़िलहाल तो नहीं की जा सकती मैगज़ीन का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन क़ायम करने की ये हालिया कोशिश माजी के मुकाबले में इसलिए मुख्तलिफ है कि अमेरिका में सदर जो बाईडन की हुकूमत अफ़गानिस्तान में वसी पैमाने पर मुकर की राहार करने के लिए संजीदगी के साथ दोनों मुमाली के ममालिक्लुक बेहतर करना चाहती है क्योंकि दोनों ममालिक अपने अख्तलाफात के साथ अफगानिस्तान में भी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और अफ़गानिस्तान में अपने मकासद के हसूल के लिए दोनों के तल्ल में बेहतरी ज़रूरी है मैगजीन का मजीद कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जबेद बाजवा की जानब से माजी को दफना कर आगे बढ़ने के बयान और मोदी की जानब से वज़ी अजम इमरान ख़ान के कोरोना से मुतासिर होने के बाद नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी इसी तनागुरु में देखा जा रहा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के तल्लुक़ में मतहदा अरब अमारात के किरदार के कुछ और भी इशारे मिलते हैं नवंबर में भारतीय वज़ी ख़ारजा जय शंकर ने अबूजहबी के वली से मुलाकात की थी जिसके अगले ही माह पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा शाह महमूद अमारात पहुंचे थे बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी उसके बाद कमोपेश दो हफ़्ते बाद मुतहद अरब अमाराती वज़ी खारजा ने वज़ी अजम इमरान ख़ान को भी फ़ोन किया जिसके बाद हाल ही में भारत ने दौरा श्रीलंका के लिए वज़़र अजम इमरान खां के तयारे को दो हज़ार उन्नीस के बाद पहली मरतबा भारतीय हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी ब्लूमबर्ग मैगजीन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के मबैन क्याम अमन के इस खुफिया रोड मैप और इसमें अरब अमारात के किरदार से मुतक पाकिस्तानी भारतीय और मतहद अरब अमाराती दफ्तर खारजा ने ताल कोई तबसरा नहीं किया है ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर सामने आई है कि नैनोअमल अंगेज की मदद मतलब से इस्तेमालशुदा तेल से बायोडीज़ल तैयार किया गया है इसी तरीके से बचे हुए खाने खुर्दबिनी प्लास्टिक और पुराने टायरों से भी मुफीद अशिया तैयार की जा सकती हैं मेलबोर्न की आर एम आई टी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने फालतू वीज़ा बारी प्लास्टिक और पुराने टायरों से अदविया संतों पैकिंग और मसनू खास अमल अंगेज़ की तैयारी बहुत आसान कर दी है ये फालतू कुकिंग ऑयल या बायो डीजल में बदल जाता है इसी अमल से गरीब ममालिक किसान अपना ईंधन खुद बना सकते हैं चावल का फोक या फिर अनाज का कोई भूसा उसे दुनिया भर में जलाया जाता है जिससे फिजाई आलूदगी बढ़ रही है ये टेक्नोलॉजी कार्बन वाले ज़रूरी कचरे को मुफीद ईंधन में बदल सकती है इसी टेक्नोलॉजी से गन्ने के फोग, फलों के छिलकों और सड़ी गली सब्ज़ियों के लिए भी इस्तेमाल करना मुमकिन है तिबी माहरीन ने लोगों को खसूस खातिन को ख़बरदार किया है कि जेवरात के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात से काम लें क्योंकि कोरोना किसी धात प्लास्टिक और चीनी के बर्तनों पर पाँच दिन तक जिंदा रह सकता है कोरोना से बचाव के लिए माहरीन तिब का कहना है कि हाथों को बार बार धोना चाहिए और अपनी जिसमानी सफाई के अलावा घर और माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए कोरोना जेवरात से भी एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो सकता है इसलिए मर्दों खुवान की कलाइयों की घड़ियों चूड़ियों और दूसरे जेवरात की सफाई सुथराई भी वक्फे वक्फे से जरूरी है डॉक्टर लॉर्सन का कहना है कि हाथों को धोते हुए आपको जेवरात उतारने की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें इसी तरह पहने हुए धोया और साफ किया जा सकता है जबकि दूसरी तरफ ज़ेवरात की एक दुकान की शर्क मार्कन एल्जब डाइल ने कहा है कि हाथों को जरासीम और कोरोना से पाक करने के लिए सैनिटाइजर को नामियाती हीरे ज़वाहरात की सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उनका कहना है कि अगर जेवरात को नुकसान पहुंचने का डर हुआ तो उन्हें साबुन से हाथों को धोने से पहले ही उतार लिया जाए कोरोना से मुतासर मरीज अलामत नजर आने के बाद अव्वल पांच दिनों तक सबसे ज्यादा मुत्दी होते हैं ये बात एक नई तबीयी तहकीक में सामने आई है ये अपनी तर्ज की पहली तहकीक है जिसमें माहिदीन ने कोरोना की मुंतकली के हवाले से होने वाली अठानवे तहकीकी रिपोर्ट के डेटा का तजिया किया ताकि समझ सकें कि कोरोना इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है माहरीन ने दरियाफ्त किया कि कोरोना का वायरल लोड बीमारी के आगाज़ पर निज़ाम तनफस की ऊपरी नाली में अलामत के नमूदार होने के बाद अव्लिन पाँच दिन तक तकूज पर होता है उसके मुकाबले में दीगर में वायरल लोड बिल तरतीब दस से चौदह दिन और सात से दस दिन के बाद अरूज पर होता है जिसे अर्न तीन को शनाख्त करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना की सबसे आम अलाम बुखार खुश खांसी और थकावट है जबकि कम नुमा अलामत में दर्द और तकलीफ़ गले में सोजन हैज़ा सर दर्द सोंगने या चखने की हिस्से महरूमी और दिल पर ख़ारिश या उंगलियों की रंगत ख़त्म होना है ज़्यादा संगीन अलामत में सांस लेने में मुश्किल सीने में तकलीफ़ या दबाव और चलने फिरने या बोलने में मुश्किल काबिल जिक्र हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के महकिक डॉक्टर कैंथ रेमी ने लोगों में शोर उजागर करने के लिए एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की है इस वीडियो का मकसद हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीज की हालत को बयान करना है जिसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही होती हैं उन्होंने कहा कि आप बिस्तर पर लेटते हैं और नज़रें उठाकर मुझे और कमरे में मौजूद दीगर लोगों को देखते हैं मुझे तो एक तिबी आलात लगा मरीज ही नजर आता है उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों को तो उस वक्त अपनी जिंदगी का एहतमाम नज़र आ रहा होता है डॉक्टर कैंथलेमी ने बताया कि वो एक हज़ार से ज्यादा कोरोना मरीजों की निगहदाश्त कर चुके हैं जिनमें से सौ से जायद के जिसमों में मुख्तलिफ ट्यूबें लगाई गई दोस्तों वीडियो को अब तक एक लाख से ज्यादा बात देखा जा चुका है और इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा ऐसे ना हों उनका कहना था कि अगर घर से बाहर फेस मास्क नहीं पहनेंगे समाजी दूरी के इकदाम पर अमल नहीं करेंगे और हाथों को अक्सर नहीं धोएंगे तो आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा ऐसे ही हो सकते हैं वीडियो को बनाने से पहले एक मरीज़ डॉक्टर की आंखों के सामने कोरोना के बायस इंतकाल कर गया था जो कि एक हफ़्ते में ग्यारहवीं हलाकत थी उन्होंने बताया कि मैंने अभी इस मरीज़ की बीवी पर फ़ोन से बात की है उन्होंने कहा कि लोगों का ख़्याल है कि हालात गर्मियों के मुकाबले में मुख्तफ हैं हालांकि ऐसा नहीं है उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ बल्कि मैं आप पर जोर देता हूँ कि एक मिनट में चालीस या पचास बार सांस लेने इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है मैं जानता हूँ कि यह ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है जब मैं आपके निज़ाम तनफस को सपोर्ट मुहैया करता हूँ ताकि सांस ली जा सके उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि हालात मामूल पर आ जाए मगर ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए आलमी सिविल सोसाइटी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानब से जारी करदा बैन अवी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत उनतालीस फ़ीसद के साथ पर रियाजम एशिया में रिश्वत लेने के मामले में पहले नंबर पर है इसके अलावा अवामी ख़दम्त हासिल करने के लिए जी ताल्लुक बरोकाल लाने के लिहाज से भी भारत सबसे आगे है भारत के बाद कम्बोडिया का नाम है जहां सैंतीस फीसद लोग रिश्वत देते हैं तीस फीसद के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है भारत के मुकाबले में बांग्लादेश और श्रीलंका में रिश्वत लेने की शरें काफी कम है इन मुल्कों में बिल तरतीब चौबीस फीसद और सोलह फीसद है और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान को इस सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया इलमजुम के माहन सितारों को देख कर इंसान की ज़िंदगी और किस्मत के मुतल कई तरह के इनकशाफ करते आ रहे हैं अब उन्होंने एक और अजीब इंकशाफ करते हुए कुछ ऐसे सितारों के मुतलक भी बता दिया है जिनके हामिल लोगों की मोहब्बत की शादी होने का अम्कान ज़्यादा होता है जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं वो बहुत जज्बाती किस्म के लोग होते हैं और ख़ुद से मुहब्बत करने वालों पर मुकम्मल भरोसा करते हैं ये लोग अपनी मुहब्बत को निभाने और ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए सख्त जद्दोजहद करते हैं ऐसे लोगों की मुहब्बत की शादी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों याद रहे कि ये मैं नहीं बल्कि इल्म नजूम के माहरीन कहते हैं जो ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं ये ख़बर सिर्फ़ उनके लिए है अपनी पैदाइश की डेट बाद में सोचना अभी मेरी खबर पूरी नहीं हुई बहरहाल इसके अलावा जो लोग 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं उन लोगों की भी ऐसी शादी होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं तीसरे नंबर पर जो लोग 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान पैदा होते हैं या जो लोग 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं उन लोगों में भी ऐसी शादियां होने के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं मैं दोबारा फिर याद दिला दूं कि ये इल्मे नजूम के माहरीन कहते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया